हेलो गाइस, आई होप आपको हमारी पहली वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और इस बार हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं, विच इज़ ऑन फेशियल एंड द फेशियल किट विच वी हैव यूज्ड इज़ फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट। वी हैव टेकन ऑल द सेफ्टी मेजर्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस COVID-19 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो बिकॉज आई रियली एंजॉयड इट। यू नो who doesn't love pampering and all of these things, so yeah, I hope you like it and please go like, share and subscribe and watch the video. Hello friends, aaj ka mera ye video Lakme Absolute Perfect Radiance Skin Lighting Facial ke upar hai. Is facial kit ka review main apne pichle video mein de chuki hu. Aaiye start karte hain facial karna. Sabse pehle main inke aur apne haathon ko achhi tarah se sanitize karungi. Sabse pehle main एक प्लेट में क्लींजर, स्क्रब, मसाज क्रीम और मास्क एक प्लेट में निकाल लूँगी, जितना मुझे फेशियल करने के लिए ज़रूरत है। और अलग से एक बाउल में थोड़ा सा फेस पैक निकालूंगी। मैं यहाँ पर 2 मिनट मसाज करूँगी फेस क्लींजर से। फेस क्लींजर से मसाज करने के बाद मैं साफ कॉटन से इनका फेस क्लीन करूँगी। आप यहाँ पर टिश्यू टॉवल का भी यूज़ कर सकते हो। जितना भी इनके फेस पे डस्ट होगा वो सारा क्लीन हो जाएगा। मैं यहाँ पर अपने हाथों पे ग्लव्स पहन के इनका फेशियल कर रही हूँ, जिससे इनको इन्फेक्शन नहीं होगा। आप भी ग्लव्स पहन के ही फेशियल करें। आप भी पीपी किट पहन कर ही फेशियल करें, जिससे आपको भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। मैंने यहाँ पर फेशियल करने से पहले अपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया है। दो मिनट मसाज करने के बाद साफ कॉटन से मैं इनका फेस क्लीन करूंगी। इसके बाद मैं स्क्रब यूज करूंगी इनके फेस पे, जिसकी मसाज मैं करूंगी 5 मिनट। इनके पूरे फेस में मैं अच्छी तरह से स्क्रब करूंगी, जिससे इनकी जितनी भी डेड स्किन होगी या ब्लैक हेड्स होंगे और वाइट हेड्स होंगे वो अच्छी तरह से रिमूव होंगे। स्क्रब का यूज़ मैं इनके नेक पे भी अच्छी तरह से करूंगी, क्योंकि वहाँ पर भी डेड स्किन होती है। जैसे मैं आपको वीडियो में स्टेप्स करते हुए नज़र आ रही हूँ, आप भी उसी तरह से स्टेप्स को कीजिए। और बीच में पानी का थोड़ा थोड़ा यूज करते रहे। फोरहेड पे, नोज पे और चिन पर अच्छी तरह से मसाज कीजिए, क्योंकि वो एरिया भी हमारा थोड़ा बहुत ब्लैक रहता है। फेशियल स्टार्ट करने से पहले और बाद में हमारी जितनी भी चीज़ें फेशियल के अंदर यूज़ हुई है, उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आप सैनिटाइज करें।
जितना भी डिस्पोजेबल आइटम्स है जैसे कॉटन, ग्लव्स, हेड कैप, उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्पोज करें। जितना भी नॉन डिस्पोजेबल आइटम्स है जैसे चेयर, प्लेट, बाउल, ब्लैकेट्स रिमूवर, उनको अच्छी तरह से सैनिटाइज करें। नोज़ में ये मसाज अच्छी तरह से कीजिए, इससे हमारी नोज़ को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। आँखों को रिलैक्स करने के लिए ये मसाज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जितनी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में फेशियल करते समय यूज़ कर रही हूँ, जैसे गाउन, स्पैक्स, ग्लव्स, मास्क, ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन आसानी से मिल सकती है। पाँच मिनट स्क्रब करने के बाद मैं इनके फेस पे जेल यूज़ करूँगी। मैं इनका फेस क्लीन नहीं करूँगी और मैं जेल की मसाज करूँगी 10 मिनट। इसका जेल काफ़ी स्मूथ है, ये आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करवाएगा। सारे स्टेप्स को आप वीडियो के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि मैं हर एक बार आपको यही बताती हूँ अपने वीडियोस में कि गलत स्टेप से आपके फेस मसल्स पे दर्द होगा और फेशियल के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। इनके फेस पे मसाज हम तब तक करेंगे जब तक जेल अच्छी तरह से इनके फेस पे एब्जॉर्ब ना हो जाए। 10 मिनट जेल की मसाज करने के बाद मैं इनके फेस पे क्रीम अप्लाई करूँगी 15 मिनट। इनके फेस पे अच्छी तरह से फेस मसाज करेंगे। सारे स्टेप्स को आप नीचे से ऊपर की ओर करें, जिससे इनके फेस पे किसी भी तरह की झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। आँखों के आसपास अच्छी तरह से मसाज करें, क्योंकि वहाँ पे हमारे डार्क सर्कल होते हैं, आँखों के नीचे झुर्रियाँ होती है। अपने फेस को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए मंथ में एक बार फेशियल ज़रूर करवाएं। ये ऑल स्किन टाइप्स फेशियल है, इसे कोई भी करवा सकता है।
जैसे आपको पता है लैक्मे एक ब्रांड है, इसके कई प्रोडक्ट हैं, इसमें से ये फेशियल किट भी काफ़ी अच्छा है। पंद्रह मिनट मसाज करने के बाद मैं यहाँ पर साफ कॉटन का यूज़ करूँगी इनके फेस पे, फेस क्लीन करने के लिए। ब्लैकेट्स रिमूवर से इनके ब्लैकेट्स रिमूव करेंगे। हल्के हाथों से मैं इनके ब्लैकेट्स रिमूव करूँगी, क्योंकि अगर हम हैवी हाथों से अगर इनके ब्लैकेट्स रिमूव करेंगे तो इनके नोज़ के आसपास किसी भी तरह के निशान पड़ सकते हैं। हल्के हाथों का यूज़ करें आप, चिन पर भी आप ब्लैकेट्स रिमूव करें। इसके बाद मैं इनकी बैक मसाज करूंगी 5 मिनट। बैक मसाज को आप थोड़ा हैवी हाथों से करें, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, जिससे इनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। मैं बैक मसाज के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से बैक मसाज की है। आप भी उन्हीं स्टेप्स को देखकर बैक मसाज कर सकते हो। मैं इनके फेस के लिए फेस पैक बनाऊंगी। आप फेस पैक बनाने के लिए पानी का या रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर फेस पैक ब्रश से इनका फेस पैक नहीं लगाऊंगी, मैं अपनी उंगली की हेल्प से इनके फेस पर फेस पैक लगाऊंगी। आप भी उसी तरह से लगाएं। फेस पैक को नीचे से ऊपर की ओर अप्लाई करें और इनके फेस पे रखें फेस पैक 10 मिनट। 10 मिनट फेस पैक लगाने के बाद फेस क्लीन करें साफ कॉटन से। आप देख सकते हो वीडियो में कि इनका फेस कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है और कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है।